भक्तमाल की कथा के अंतर्गत द्वादश प्रधान भक्तों की चरित्रों का हम श्रवण कर रहे हैं और द्वादश प्रधान भक्तों में हम कपिल मुनि के जो कि भगवत अवतार भी हैं और द्वादश प्रधान भक्तों में से भी एक हैं उनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने ये देखा कि ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया, प्रजापति कर्दम को, और उनकी उत्पत्ति इसलिए की गई ब्रह्मा जी द्वारा ताकि सृष्टि का विस्तार हो। तप किया उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे 1000 वर्ष के लिए और तत्पश्चात उन्होंने क्रिया योग का सहारा लेकर, अवलंब लेकर भगवत दर्शन को प्राप्त किया। भगवत दर्शन की प्राप्ति हुई तो भगवान से उन्होंने ऐसी पत्नी का, ऐसी सहधर्मनी का प्रार्थना की, याचना की, जो कि चतुर्वर्ग संपन्न हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली हो। तो ऐसी पत्नी उनको मिल भी गई, देवी देवहूति। और देवहूति से उनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात क्या हुआ, उनको 9 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। देवहूति ने अपने पति कर्दम ऋषि को प्रसन्न कर लिया। कैसे प्रसन्न किया, अपने इंद्रिय निग्रह और शौच आदि नियमों से अपने पति की सेवा की, जिससे कि वो आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त हुए। और जब कोई महर्षि, कोई ऋषि, कोई तत्ववेता आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है, अपनी साधना में जिसको बल मिलता है, अपने अध्यात्म मार्ग में और आगे अग्रसर होता है, तो उस महात्मा के लिए, उस ऋषि के लिए, उस तत्ववेता के लिए वही प्रसन्नता की बात होती है। उसके लिए कोई भी और कारण, कोई भी और प्राप्ति प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकती। केवल और केवल भगवत प्राप्ति ही उसकी प्रसन्नता का कारण होती है। और देवहूति ने अपने पति की इस प्रकार से सेवा शुश्रूषा की कि महर्षि कर्दम अपने गंतव्य की ओर, आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़े। इसलिए प्रसन्नता हुई महर्षि कर्दम को और 9 पुत्रियों की प्राप्ति भी हुई। अब 9 पुत्रियों की प्राप्ति के बाद महर्षि कर्दम को लगा कि जिस कारण से, जिस औचित्य से मेरा यहाँ पर आविर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी ने मुझे उत्पन्न किया, वो कार्य अब संपन्न हो गया। उनको ये लगा कि 9 पुत्रियों की प्राप्ति हुई और कार्य मेरा संपन्न हो गया, अब मैं संन्यास धर्म का आश्रय ले सकता हूँ, संन्यास लेकर वन गमन कर सकता हूँ। लेकिन माता देवहूति ने उनको एक बात कही। क्या कहा, कि आप वन को अवश्य जाइए, संन्यास धर्म को आप अवश्य ही अपनाइए, लेकिन मुझे अपने शोक के निवारण के लिए एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र को देकर, उससे पहले नहीं। यहां तक की कथा हमने सुनी कल तक। जब माता देवहूति ने ये याचना की कि आप एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र को देने के पश्चात ही वन गमन कीजिए, संन्यास धर्म का आश्रय लीजिए, तब महर्षि कर्दम को ज्ञात हुआया, हाँ देवी तुम सत्य कह रही हो, हमें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होनी ही है। क्यों होनी है, क्योंकि जब भगवान ने उनको दर्शन दिए थे महर्षि कर्दम को, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें मनु की पुत्री देवहूति की प्राप्ति होगी, स्त्री रूप में, धर्म पत्नी के रूप में, सहधर्मनी के रूप में, उससे तुम्हें 9 पुत्रियों की प्राप्ति होगी और एक पुत्र की भी प्राप्ति होगी, और पुत्र रूप में मैं, भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारे यहां अवतरण लूंगा। लेकिन जब 9 पुत्रियों की प्राप्ति हो गई और महर्षि कर्दम का मन विरक्ति की तरफ जाने लगा, उस वक्त ये बात भूल गए। बड़ी विडंबना की बात लगती है कि महर्षि कर्दम, कोई भी व्यक्ति जो कि भगवत परायण है, वो ये भूल जाए कि मेरे यहाँ पुत्र के रूप में भगवान आने वाले हैं,
भगवान ने साक्षात उनको ये वचन कहे, लेकिन फिर भी कर्दम ऋषि भूल गए। बड़ी विडंबना की बात लगती है, आश्चर्य की बात लगती है, लेकिन ये केवल महर्षि कर्दम की बात नहीं है, हम सबके साथ ये होता है। भगवान हमें कई प्रकार के आश्वासन देने आते हैं कई रूपों में। ठीक है, हम उतने उच्च स्थिति में नहीं होंगे, उतना तप हमने नहीं किया कि भगवान साक्षात दर्शन देकर हमें अपने वचन सुनाए, परंतु भगवान किसी ना किसी रूप में आकर अपना संदेश हमारे तक पहुंचाते ही हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सुन लेते हैं कई बार तो सुनते ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाता हमारा कि भगवान हमें, प्रभु हमें क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमारे पास फुर्सत ही नहीं रहती सुनने के लिए। और कई बार किसी भगवत परायण पुरुष के मुख से अगर ऐसी बात सुन भी लें तो सुन के बहुत अच्छा लगता है कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में अपने काम धंधों में उलझकर हम उस महात्मा की बात को भूल जाते हैं। हो जाता है हमारे साथ भी, जो मार्गदर्शन, जो दिशा निर्देश हमें गुरुजनों से मिलते हैं उनको हम भूल जाते हैं। महर्षि कर्दम के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनके मन में संन्यास आश्रम को ग्रहण करने की एक धारणा बनी हुई थी। अपनी धारणाओं के नाते, अपने दिमाग के आइडियाज के नाते हम भगवत वाणी को, गुरुजनों की वाणी को हम दरकिनार कर देते हैं, भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। हम सबके साथ ये होता है, कर्दम महर्षि की बात नहीं है। तो हमें आत्म अनुसंधान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए कि कब, कहाँ, किस रूप में श्री हरि, भगवान नारायण हमें किसी प्रकार का संदेश दिया, देते हैं या देते रहे हैं, और क्या हम उसे भूल गए, क्या हमने उसको जानबूझकर भुला दिया या व्यस्तता के कारण भूल गए, क्या संदेश था वो। भगवान ने आपको लास्ट टाइम क्या संदेश दिया, इस पे आप चिंतन करें। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारे साथ कभी हुआ ही नहीं कि प्रभु ने हमें कोई दिशा निर्देश दिया हो, ऐसा संभव ही नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर, आपके हृदय देश में बैठा हुआ परमात्मा आपको कॉन्स्टेंटली, लगातार, सतत दिशा निर्देश देता रहता है। कई बार दूसरे रूपों में, साधु महात्मा के रूप में, किसी और पूज्य जन के, गुरुजन के रूप में भी भगवान संदेश देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन सतत संदेश हमें कहां से मिल रहा है परमात्मा का? अपने अंतर में बैठे हुए परमात्मा हमें सतत संदेश देते रहते हैं, जिसे हम कह देते हैं अंतर आत्मा की आवाज। लेकिन उसको सुनने के लिए भी थोड़ी शुद्धि चाहिए बुद्धि में, और बुद्धि की शुद्धि के साथ साथ थोड़ा प्रयास भी करना पड़ेगा कि उन बातों को हम ध्यान से सुने जो हमारे अंतर में बैठा हुआ परमात्मा हमें बताता रहता है। प्रयास करेंगे तो अवश्य सुन पाएंगे, और अगर प्रयास करेंगे, संयम करेंगे, तो उनके हुए बताए हुए मार्ग पर हम चल भी पाएंगे। अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको किसी भी समय ये लगता है कि आपको दिशा निर्देश की, गाइडेंस की जरूरत है, कमी है, अभाव लग रहा है दिशा निर्देश का, तो अपने अंतर में बैठे हुए परमात्मा से आप संपर्क साधने का प्रयास करें, वहीं से आपको दिशा निर्देश मिल जाएगा। अगर बाहर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई ज्ञानी जन, संत जन, तत्ववेता आपके संपर्क में नहीं, आप जिसके संपर्क में आप नहीं आ पाते, किसी से आप परामर्श नहीं कर पाते, तो अंतर बैठे परमात्मा से आप सदैव ही संपर्क कर सकते हैं। कर्दम ऋषि को तो साक्षात भगवान ने दर्शन देकर यह बताया था कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा, लेकिन कर्दम ऋषि क्या हुआ, संन्यास लेने के चक्कर में आदि बात भगवान की भूल गए। नौ पुत्रियों की प्राप्ति के बाद उन्होंने सोचा कि मैं तो सब प्रकार के
हाँ ये जितने भी मेरे कर्म थे, जितने भी मेरे ऋण थे, उनसे मैं मुक्त हो गया। लेकिन हुए नहीं थे, इसलिए देवहूति के रूप में अब अपनी धर्म पत्नी सहधर्मिणी देवहूति के रूप में परमात्मा ने उनको याद दिलाया। अभी वो साक्षात प्रकट होकर नहीं बोले, लेकिन देवहूति के रूप में उन्होंने बताया महर्षि कर्दम को कि नहीं, अभी आपका संन्यास लेने का समय नहीं आया, अभी आपको एक पुत्र की प्राप्ति होना शेष है, जो कि स्वयं भगवान का अवतार होंगे। तो तब वो क्या बोले, महर्षि कर्दम बोले अपनी धर्म पत्नी से, हे राजपुत्री, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, तुम्हारे उदर में भगवान जगदीश्वर शीघ्र ही अवतार धारण करेंगे और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर तुम्हारे हृदय की अहंकार रूप ग्रंथि का छेदन करेंगे। स्मरण हो आया भगवद्वाणी, तो फिर तो पूर्ण विश्वास के साथ, आस्था के साथ उन्होंने बात कह दी माता देवहूति को कि तुम्हें याचना करने की, ब्रह्म ज्ञानी पुत्र की याचना करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो भगवान ने पहले से निश्चित कर रखा है कि मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में, महर्षि कर्दम और माता देवहूति के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरण लूंगा। अवतरण लेंगे तो क्या करेंगे, अभी यहाँ पर तो माता देवहूति के के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं कि ये जो पुत्र प्राप्त होगा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर हृदय की अहंकार रूपी ग्रंथि का छेदन करेंगे। ठीक है, तो ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये हृदय रूपी आकार अहंकार जो है, हृदय में बैठे हुआ जो हमारा अहंकार है और अहंकार रूपी ये जो ग्रंथि है उसका छेदन कर देते हैं। लेकिन ये ग्रंथि है क्या, ये ग्रंथि है क्या जिसका छेदन करना है। हो सावधान विचार सब बातें समझ में आएंगी, जकड़ा हुआ जिनमें सजा वो ग्रंथियां खुल जाएंगी, कल्पित दिखाती कालिमा पट शुद्ध है ना दागरे, धोया स्वप्न में बावरे बीती निशा अब जागरे। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी के वचन। हम कुछ ग्रंथियों में जकड़े हुए हैं, कब से हमें नहीं पता, अनंत काल से। वो ग्रंथियां क्या हैं, अहंकार रूपी ग्रंथि कहा महर्षि कर्दम ने, और तुलसीदास जी क्या कहते हैं श्री रामचरितमानस में, ये उत्तरकांड का एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। जब काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद चल रहा है, क्या कहते हैं काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से, सुनहु तात ये अखत कहानी, समझत बनई ना जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंधयो कीर मर कटकी नाई। आगे क्या कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई, तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी, श्रुति पुराण बहु कहउ पाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। संक्षेप में कहते हैं कि ये जो कहानी है, ये जो हमारी अनादि काल से चलता हुआ ये जो जीवन का चक्र है, अकथ है, कहने में नहीं आती। समझ तो लेते हैं इसे, लेकिन इसका बखान करना थोड़ा कठिन होता है, बखान नहीं कर सकते। समझ पड़ सकती है थोड़ी, लेकिन उसको पूर्ण रूप से समझाना असंभव सा जान पड़ता है, बखान ही नहीं जाती। ये कहानी क्या है, कौन सी कहानी है ये हमारी, ये कोई मेरी और आपकी कोई अलग अलग कहानी नहीं है, सब जीवों की एक ही कहानी है। रामायण का सार यही है, क्या है पूरी की पूरी रामायण, क्या
क्या है हमारी अकथ कहानी, सबकी कहानी यही है। हमें लगता है कि हम इंडिविजुअल हैं, मैं ऐसा हूं और आप ऐसे हैं और वो वैसा है, वो कैसी है इत्यादि, लेकिन सबकी कहानी एक ही है। क्या क्या कहानी है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो जीव हैं, हम हैं, जीवात्मा हैं, ईश्वर के अंश हैं और अविनाशी हैं, कभी मरते नहीं, जन्म मरण के चक्कर में हम हैं नहीं। अगर समझें तो ईश्वर के अंश होने के नाते जीव अविनाशी है। अविनाशी होने के साथ साथ क्या है? चेतन अमर सहज सुखरासी। चेतन है, बिना मल के है, किसी प्रकार का दोष नहीं है इसमें। मल का अर्थ यहाँ पे किसी प्रकार का दोष नहीं है। चेतन तो हम हैं, हम मानते हैं कि मैं हूँ, अपनी कॉन्शियसनेस का, अपने चेतन का तो हमें भान है, लेकिन अपने अविनाशी होने का भान हमें नहीं रहता। अविनाशी होने का भान हो तो ये समझ लेना चाहिए कि हमें मृत्यु से भय नहीं लगेगा। अगर मृत्यु से भय लग रहा है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी होते हुए भी हम अपने आप को अविनाशी नहीं मानते। मृत्यु पर जो दुख, जो शोक हम प्रकट करते हैं, हमारे मन में प्रकट हो जाता है जो शोक, जो दुख मृत्यु के समय, या अपनी मृत्यु के का हम अगर इमेजिनेशन ही करें, अगर उसका हम चिंतन ही करें, तो अगर मन में शोक और विषाद आ जाए, इसका मतलब हमने अपने आप को अभी अविनाशी नहीं माना। ईश्वर के अंश हैं ये भी सुन लेते हैं लेकिन समझते नहीं। जीव मानते हैं अपने आप को, जीवात्मा हैं, शरीरधारी आत्मा हैं, लेकिन अविनाशी अपने आप को नहीं मानते। चेतन है ये हमें मालूम है, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मैंने ये किया, उसने क्या कहा, मैंने क्या सुना, ये सब चेतन का लक्षण है, दृष्टा भाव। जिसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, करने वाला तो नहीं, लेकिन जो देख, जिसको ये मालूम है, भान है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो चेतन है। वो चेतन कैसा है, वो जीव कैसा है? अमल है, उसमें मल नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन उसका भी भान हमें नहीं है। हम भांति भांति के मलों की, भांति भांति के दुर्गुणों की परिकल्पना, उनका आरोपण अपने आप में, अपने स्वरूप में करते रहते हैं, करते हैं हमेशा ही। मेरे में ये सद्गुण है और मेरे में ये दुर्गुण है, लेकिन हम अमल हैं इस बात का हमें भान नहीं है। चेतन अमल सहज सुख राशि, हम सुख की राशि हैं, सुख के भंडार हैं। सहजता से कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए, सहज सुख राशि कहा तुलसीदास जी ने। सहज सहज ही अमल हैं, चेतन हैं, अविनाशी हैं और सुख के भंडार हैं, सुख राशि हैं। लेकिन सुख भी कभी साल छह महीने में एक आध बार हमें सुख की अनुभूति होती है, तो उसके अलावा अगर आप अपना जीवन देखें, अगर मैं अपना जीवन देखूं, तो जीवन ऐसा लगता है दुखों की अनुभूति से भरा पड़ा है, और बीच बीच में कहीं कहीं थोड़े बहुत सुख की छाया का अनुभव हम कर लेते हैं। दुखों के प्रचंड धूप में, प्रचंड घाम में, दुख रूपी प्रचंड घाम में कभी कभी चलते चलते एक दो सेकंड के लिए हमें सुख रूपी किसी पेड़ की छाया का हमें आराम मिल जाता है, लेकिन फिर दुखों रूपी ये जो धूप है, घाम है, उसमें हमारा जीवन चक्र चलता रहता है। तो ना ही हमें सुखानुभूति है, ना ही हम अपने आप को अमल मानते हैं, और ना ही अपने आप को अविनाशी मानते हैं। मृत्यु का भय, दुख की पीड़ा और अपने आप में कई प्रकार के दुर्गुणों को देखना, क्यों होता है ऐसा? आगे कह रहे हैं तुलसीदास जी, सो माया बस भयो गसाई, बंधयो कीर मरकट की नाई। बंध गया माया में, माया में बंधन के कारण हम अपने आप को चेतन सहज अमल सुख राशि नहीं मानते, चेतन अमल सहज सुख राशि नहीं मानते।
फिर क्या होता है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, इसी ग्रंथि की बात कर रहे हैं कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि देवहूति माता देवहूति को क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में जो अहंकार रूपी ग्रंथि है उसका छेदन करेंगे कौन, तुम्हारे पुत्र। कौन होंगे पुत्र? कपिल देव। वो जो कपिल देव हैं, भगवान के अवतार हैं, द्वादश प्रधान भक्तों में से एक हैं, वो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का देवहूति, वो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर क्या करेंगे, तुम्हारे हृदय में जो ये ग्रंथि है अहंकार की उसका छेदन कर देंगे। अहंकार चला गया तो फिर क्या बात पल्ले पड़ेगी? यही बात पल्ले पड़ेगी, ईश्वर अंश जीव विनाशी। ये समझ आ जाएगा कि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन हैं, हम सब प्रकार के मल से रहित हैं और सहज ही सुख के भंडार हैं। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए हमें ब्रह्म ज्ञान। और देवहूति को, जो कि अभी शोक से संतप्त हो रही हैं, उनको मालूम है कि उनको पति के वनगमन का शोक होगा और भी भांति भांति के शोकों से वह संतप्त हैं, ऐसा वह मानती हैं। इसलिए वो ब्रह्मज्ञानी पुत्र की याचना कर रही हैं, जो कि उनको मिलेगा ही। ब्रह्मज्ञानी पुत्र के रूप में भगवान स्वयं कपिल देव के रूप में वहां अवतरण लेने वाले हैं। तो देवहूति ने जब इनका वचन सुना, प्रजापति कर्दम जी का, महर्षि कर्दम का, तो उन्होंने पूर्ण आस्था रखी अपने पति के वचनों में और भगवत भजन में लग गईं। भगवत भजन में लग गईं क्योंकि इनको पता था अब कि स्वयं भगवान उसके यहाँ पुत्र रूप में आने वाले हैं। और ऐसा हुआ भी, समय अनुसार मधुसूदन पुत्र रूप में प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो सभी देवतागण, सब महर्षि, सप्तऋषि आदि उनकी स्तुति के लिए वहाँ आए। उन्होंने स्तुति की, जय जयकार की ध्वनि की और कर्दम और देवहूति को पुत्र का महात्म्य बतलाया। मालूम था उनको, लेकिन फिर भी ऋषियों ने उनको आके बताया कि उनके पुत्र हैं कौन। अब आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने स्वयं आके कह दिया कर्दम महर्षि को कि मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में पैदा होऊंगा। फिर कर्दम ऋषि ने भी देवहूति जी को बता दिया, माता देवहूति को बताया क्या कि हाँ, भगवान ही स्वयं पुत्र रूप में हमारे यहाँ अवतीर्ण होंगे, जो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे। फिर ऋषियों को आकर बताने की क्या आवश्यकता थी कि ये भगवान हैं, इनका क्या महात्म्य है, क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता यही है कि हम जीव जो हैं क्या करते हैं, बार बार सुनते हैं उस प्रभु का गुणगान करते हैं, उस प्रभु की महत्ता का हमको संज्ञान भी है, लेकिन भूल जाते हैं। तो इसलिए बार बार महर्षियों के, संतों के मुख से उस प्रभु का गुणगान हमें सुनते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हमको जो भूलने की आदत है वो थोड़ी थोड़ी सुन सुनकर, श्रवण साधना से ये जो भूलने की आदत है हमारी, हम भगवान के जो विराट रूप है, भगवान का जो अनंत रूप है, भगवान की जो अनंत महिमा है, उसको भूलते रहते हैं। वो भूलने की आदत फिर सुनते सुनते श्रवण साधना से कम होगी। नहीं तो क्या होता है, नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, लग जाएंगे संसार के काम धंधों में और फिर भूल जाएंगे। एक बार मैंने अपने मित्र को कहा कि एक के संत हैं, वो हिंदी नहीं समझते, विदेश के हैं, तो एक संत हैं अपने रामकृष्ण मिशन के स्वामी, बहुत अच्छा बोलते हैं, सर्वप्रियानंद जी, इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और अपनी बात को रखने का उनका बड़ा ही सहज तरीके से अपनी बात को रखेंगे और समझा देंगे। इसलिए मैंने अपने उन मित्र को कहा कि आप इंग्लिश समझते हैं एंड ये जो संत हैं इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलते हैं वेदांत पर, आप इनको सुने,
मेरे मित्र ने भी कह दिया। कहते हैं अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो हम सुनते हैं। उन्होंने सुना थोड़े समय के लिए और फिर उन्होंने सुनना बंद कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात मैंने पूछा कि आपको क्या अवसर मिला उनको सुनने का। कहते हाँ मैंने सुना तो सही, लेकिन वो तो एक ही बात को बार बार कहते रहते हैं, एक ही बात को बार बार कहते रहते हैं। उनको लगा कि वो तो बस अपनी बात को दोहराना ही उनका जैसे काम है, उनको कुछ और बात करनी नहीं आती, ऐसा उनका हाँ इम्प्रेशन पड़ गया माइंड पे, मन पे ऐसा प्रभाव आ गया और उसके चलते उन्होंने उनको सुनना बंद कर दिया। ना जाने कितने समय सुना, 10-15 मिनट सुना या 10-15 बार सुना, मैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इनको अब नहीं सुनना। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या आपको उनकी बात समझ आ गई, तो शब्दों को तो पकड़ लिया होगा, लेकिन क्या वो उस भाव को पकड़ पाए, क्या उस ज्ञान को पकड़ पाए, मेरी दृष्टि से तो शायद नहीं पकड़ पाए। तुलसीदास जी ने भी कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरी निरंतर हो ही ना पूरे, तिनके ग्रह तुम रही रूरे। तो ये जो बात की तुलसीदास जी ने कि जिन्होंने महिमा को जान लिया वो आपकी कथा को निरंतर सुनते रहते हैं, उनके कान कभी जैसे समुद्र में नदियां जाती हैं और समुद्र जैसे भर नहीं जाता, वैसे ही उनके जो कर्ण रूपी समुद्र हैं वो भगवान की कथा रूपी सरिताओं से भर नहीं जाते, निरंतर उसमें गिरती रहती हैं। भगवत भक्तों के कान रूपी समुद्र में भगवत कथा, भगवत भक्तों की कथा सरिताओं के रूप में निरंतर गिरते रहते हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो जाते, उनका मन तृप्त नहीं होता सुन सुनकर। इस रूप का यही अर्थ है। और जब तक ऐसा चलता रहे तो क्या होगा, हम उस प्रभु की महिमा को नहीं भूलेंगे। तो यहां पर देवहूति माता भी जानती हैं कि भगवान पुत्र रूप में अवतरण लेने वाले हैं, और महर्षि कर्दम को तो स्वयं भगवान ने बताया साक्षात कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा, लेकिन फिर भी महर्षि अत्रि कश्यप पुलत्स पुलह अंगिरा आदि सप्तऋषि आए वहां पर, और मरीचि ऋषि भी आए, और उन्होंने दोनों दंपति को माता पिता को क्या बताया, उनके पुत्र का महात्म्य कि वो कौन है। तात्पर्य हमारे लिए ये, शिक्षा हमारे लिए ये कि हमें अगर पता भी हो, पता हो, पहले से श्रवण कर रखा हो किसी भी बात को, उस भगवत महिमा के, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम इत्यादि के बारे में, तो उसका हमें बार बार निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। कैसे, जैसे जो नदियां हैं वो निरंतर समुद्र में गिरती ही रहती हैं, वैसी स्थिति हमारी होनी चाहिए, अघाना नहीं चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि साक्षात पूर्ण पुरुष ही तुम्हारे यहाँ अवतीर्ण हुए हैं, साक्षात पूर्ण पुरुष आए हैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में, और उनके जो केश थे वो सुवर्ण के समान कपिल वर्ण के थे, सुवर्ण के समान कपिल वर्ण के, गोल्डन कलर के, ऐसा समझ लीजिए। और ये जो गोल्डन कलर के हेयर थे, कपिल वर्ण के जो उनके हाँ केश थे, उन्हीं के कारण, उन केशों के रंग के कारण ही उनका नाम कपिलदेव रखा गया। और कपिलदेव के अवतरण के बाद सिद्ध मुनियों ने ये भी कहा कि ये सब महात्माओं में, सब सिद्धों में ये अग्रगण्य होंगे, इनका पहला नंबर होगा, अग्रगण्य मतलब पहला नंबर होगा, और ये सांख्य शास्त्र का प्रचार करेंगे, सब सिद्धों में प्रथम और सांख्य शास्त्र का प्रचार। ये दो विशेषताएं रहीं भगवान कपिल के अवतरण की, इसीलिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। और सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में तो भगवान कपिल को जाना ही जाता है,
जहाँ कहीं भी सांख्य शास्त्र की बात होती है तो वहां पर कपिल मुनि का नाम, भगवान कपिल का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सांख्य शास्त्र का आविर्भाव किया इस युग में, इस कल्प में, ऐसा समझ लीजिए, इस कल्प में उन्होंने इस सांख्य शास्त्र का अवतरण किया, हमारे लिए प्रचार प्रसार किया। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन कालांतर से लोप हो जाता है और उसी ज्ञान के फिर से प्रकाश के लिए भगवान अवतरण लेते हैं। कभी तो पूर्ण अवतार होते हैं, कभी सिद्धों के रूप में अवतार लेते हैं, कभी तत्ववेताओं के रूप में अवतार लेते हैं, ऋषि मुनियों के रूप में अवतार लेते हैं और अपने उस सिद्धांत का पुनः प्रतिपादन करके जन कल्याण का द्वार खोल लेते हैं। तो कल हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ। भगवान का अवतरण हुआ, उसके बाद माता देवहूति ने क्या किया और महर्षि कर्दम ने क्या किया और भगवान कपिल ने माता देवहूति को किस प्रकार से उपदेश दिया ब्रह्म ज्ञान का, जिससे कि उनके अंतर की, हृदय में जो अहंकार की ग्रंथि थी उसका छेदन कैसे हुआ, उसका श्रवण कल करेंगे। कल ठीक 5:30 बजे जुड़ जाइएगा और कथा का श्रवण कीजिए। भगवान कपिल की ये कथा हमारे हृदय की ग्रंथि का भी छेदन करने में सक्षम है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर हम ध्यान से सुने, समझें, श्रवण करें, मनन करें और फिर निधिध्यासन भी करें, उसको अपने जीवन में उतारें, तो कोई संशय नहीं कि इसी जीवन में हम अपने हृदय में ये जो जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई, कहा तुलसीदास जी ने, उस ग्रंथि का छेदन हम अवश्य कर सकते हैं। कपिल भगवान के दिए हुए ज्ञान के प्रकाश में इस ग्रंथि का छेदन संभव है, इसमें कोई संशय नहीं। तो इस कथा का श्रवण करें। यहाँ पर तो सांख्य के शास्त्र का जो सिद्धांत है वो नहीं बताया गया पूर्ण रूप से, ना मैं बता सकता हूँ पूर्ण रूप से, लेकिन फिर भी कुछ विस्तार में सांख्य शास्त्र का जो मूल सिद्धांत है वो आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा आने वाले कुछ दिनों में। तो कृपया सुनते रहें और प्रभु के कृपा का भाजन बने, आपके जीवन कल्याण में हो, आप मानव जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ, इसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूँ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् तत्सत्।